अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू बैक। एक्शन गुरु। आई एम शेन, मेरे साथ है अली। तो भाई, एपिसोड जो है अभी अभी आया है, मतलब बहुत ही ये क्रिटिकल एपिसोड है और बड़ा ही एक फिर किसम कहते हैं कंट्रोवर्शियल एपिसोड है, जिसमें नेपाल के जो बॉर्डर्स हैं उनको ब्रीच कर रहा है, उनके पिलर्स को हटा रहा है इंडियन आर्मी के लोग। ठीक है, तो वो बेसिकली वो इंडियन टेरिटरी पे, नेपाली टेरिटरी पे जाके और वो अपने वो पिलर्स लगा रहे हैं। तो उनके साथ जो है लोकल्स वहाँ के, वो जाके फाइट कर रहे हैं कि आप हमारे ओके एरियाज़ में आ रहे हैं। तो ये उसी पे ये वीडियो बना हुआ है। नेपाली बाबू इनके चैनल का नाम है, उनको ज़रूर जाके चेकआउट करें और हम देखते हैं कि यार ये वीडियो में है क्या। अच्छा, ये लोकल्स। बाकी ये तो वो कह रहे थे, इनको मुश्किल लग रहा है। मिशिंग पिलर यहाँ सब है, क्या काट दे रहे हैं आप लोग को? दिखाइए तो जा पानी आप लोग का जीपीएस है ना, हमको पूछिए ना, हम कोई ना अमल भाई नहीं एक बार आउंदे रहे देखने के लिए पूछिए आप लोग कैसे आना सकता है, अकेला जॉइन में आना पड़ता है कमान में, वो जो भी पकड़ता है। अच्छा, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे एरिया से घर में घुसोगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? विद वेपन्स आए हुए हैं। कहाँ से ऑर्डर आया? ये पिलर ये कश्मीर नहीं है जहाँ आप डंडे लेके घुस जाते हो घरों में, नेपाल है ये। लोग तो भाई बहुत ही गुस्से में हैं, उनको कच्चा खा जाएंगे। अभी तो इनके रिलेशंस ऐसे हैं कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं थोड़ी। लेट्स सी आगे। लाज मर्दो अवस्था यो नहीं हो, लाज मर्दो अवस्था भनेको यही नहीं हो। लाज मर्दो अवस्था अरुको देशमा, अरुको देशमा भित्र भित्र पस्दाखेरि, अरुको देशभित्र प्रवेश गर्दाखेरि कस्तो नियम र कुन नियमलाई फलो गरेर जानुपर्छ र कोसँग सल्लाह सरसल्लाह गरेर चाहिँ जानुपर्छ, त्यो पनि हतियारविहीन जानुपर्छ भन्ने अझै पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका आर्मीहरूलाई भने केही थाहा रहेनछ। यिनीहरूलाई के भन्ने, अनपढ भन्ने या जिद्दी भन्ने या हेपा प्रविधिले उक्सिएको आर्मीहरू भन्ने के भन्ने होइन। र हाम्रो नेसनल आर्मीले, हाम्रो नेसनल
आर्मीहरु हाम्रो गार्डहरु यिनीहरुलाई राम्रोसँग सबक सिकाउनु पर्छ। यति बेलामा जरुरी छ सबक सिकाउनको लागि। यिनीहरुले कुनै पनि पिल्लरको कुनै पनि केही काम गर्न छ भने पनि हाम्रो देशको प्रशासनसँग सल्लाह गरेर परमिसन लिएर आएर दुई टिमको एकैजुट भएर र एकै दिनमा समाप्त गर्नुपर्छ कुनै कार्यहरू पनि। यिनीहरू त आफूले आफूलाई देशको हिरो ठान्छन्, देशको आर्मी ठान्छन्, तर एउटा देश अर्को भित्र एउटा देशको आर्मी अर्को देशभित्र प्रवेश गर्दाको नियम भने यिनीहरूलाई थाहा रहेनछ। र हाम्रो देशको आर्मीहरूले, हाम्रो देशका दाजुभाइहरूले, हाम्रो देशका हिरो आर्मी पुलिस सबैले यिनीहरूलाई सबक सिकाउने बेला आइसकेको छ। होइन भने जति पनि बोर्डरको छेउमा बसिरहेका छन् हाम्रा बासिन्दाहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू, यिनीहरू रात दिन तर्सनेछन्, रात दिन तर्सनेछन्। र कुन दिन यस्तो पनि आउला कि रातभरि गुहार मागे र हाम्रो नेसनल गार्डले, हाम्रो आर्मी दाजुभाइ, हाम्रो पुलिस दाजुभाइहरूले सुन्दा पनि सुनेका थिएनन् भन्ने यस्तो दिन पनि आउला। त्यसैले यस्तो अवस्था जब जब पर्छ त्यति बेलामा हामीले एक्सन लिनै पर्छ, हामीले छोड्नु कदापि हुँदैन। यसरी बााउन्ड्री क्रस गरेर हामी नेपालबाट भारत सजिलै जान सक्छौँ, भारतबाट नेपालमा सजिलै आउन सक्छौँ। हामीले पनि रोक लगाएको छैनौँ, उनीहरूले पनि रोक लगाएका छैनन्। तर हतियारधारी भनेको न नेपालबाट भारत जान पाउँछ न भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछ। यदि वर्दीधारी आफूले आफूलाई वर्दीधारी ठान्ने र आफूले आफूलाई भारतको नेसनल हिरो, नेसनल गार्ड भनेर ठान्ने व्यक्ति पनि हतियार सहित अर्काको कन्ट्रीभित्र प्रवेश गर्छ भने त्यसैलाई नै आतंकवादी, आतंकारी भनिन्छ। र यदि नेपालको गल्ती गरेर भित्र गयो भने उनीहरूले त्यतिकै छोड्दैन, छोड्नेवाला पनि छैनन्, यिनीहरू जिद्दी भइसकेका छन्। हाम्रो केही युवाहरू वहाँ पनि छन्, उनीहरूको केही युवाहरू हाम्रोमा पनि छन्। तर हामीले यो जित भनेको कहिले पनि गर्दैनौँ। हाम्रो नेसनल हिरोहरूले कहिले पनि जित गर्दैनन् यस्तो। हाम्रो नेसनल हिरोहरू, हाम्रो आर्मी दाजुभाइहरू, हाम्रो पुलिस दाजुभाइहरू कहिले पनि वर्दीसहित, हतियारसहित उनीहरूको देशभित्र प्रवेश त गरेका छैनन्। र प्रवेश गरे तापनि कुनै हालतमा यस्ता गतिविधि, यस्ता क्रियाकलाप त कहिले पनि गर्दैनन्। यहाँ यही छ हामीमा फरक। र हामीलाई यति बेलामा जरुरी भनेको सुरक्षा। यो भिडियोले साफ भनिरहेको छ, हामीले केही तपाईँहरूले केही एक्सन लिनुपर्छ, नत्र भने हाम्रो हामी सुरक्षित भएको कसरी हामीले महसुस गर्ने? राति पनि आउन सक्छन्, हतियारसहित धम्काउलान्, हतियार देखाउलान्, नमारे पनि धम्काएर त्यहाँ सिसिटिभी राखिएको छ, कुनै क्यामेराहरू त्यहाँ राखेको छ, जुन कि हामीले भोलि बिहानमा क्यामेराको फुटेज कलेक्ट गर्न सकौँ। केही पनि छैन, हामीसँग इभिडेन्स भनेको केही पनि हुँदैन। त्यसैले हरेक नागरिक जागरुक हुनुहोस्। यदि यस्तो एक्टिभिटिज तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ भने तुरन्तै एक अर्काले सेयर गर्न नभुल्नुहोला। दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग दैट जो इंसिडेंट जो कि नेपाल में होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार नेपाल को अब बिल्कुल वो एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, उसको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार ये पीछे चल क्या रहा है। मतलब इंडियंस तो हर जगह ये ऐसे ही करते हैं, पहले वो एरिया ले लिया और अब ये जो है क्या नाम है पिलर्स हटा के उनकी टेरिटरी को ये कर रहे हैं। तो आप लोग ये तो आप देखें, कैमराज थे तो पता चल गया कि ये हरकत हो रही है। कैमराज ना होते तो पहले कितनी हरकतें ऐसी की हों, उन एरियाज के लोग बता भी नहीं सकते ना, बात पहुंचती आगे। वो तो गन्ने लेके आए हुए हैं, तो ये ओपन बॉर्डर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी जमीन पे कब्जा आगे कर लें। मतलब ये दिन ब दिन आगे अपने पिलर ला रहे हैं। एक वीडियो नहीं, कितनी ज्यादा और वीडियोज हमने देखी है इस तरह की,
तो अब ये नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचना पड़ेगा कि यार आखिर ये अपने जो गार्ड्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको ऐसी जगह पे डिप्लॉय करें ताकि अपने कंट्री की लैंड की प्रोटेक्शन वो लोग कर यस सकें। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का किसी भी कंट्री से रहा है बॉर्डर जो है ना वो क्लैश हल्का फुल्का तो सबके साथ ही अब हो गया है, नेपाल बांग्लादेश हमारे साथ और चाइना, चाइना के साथ हाँ उनका वैसे ही बहुत शुक्र भरा है है। नीचे पानी है, नहीं तो वहाँ भी पानी के इनके साथ भी बड़ा होता है इनका, तो एक साइड पानी वाली बस बची हुई है, बाकी जहाँ जहाँ लैंड है उधर तो इन्होंने कर लिया सारा सबके साथ ही। तो वैसे यहाँ तो ये बेतुकी मैं कहूँगा नेपाल के साथ तो बे ना करने वाली फाइट है, कि मतलब अच्छे भले रिलेशंस को ख़राब करने वाली बात है। वहाँ तुमने एरिया लेके क्या करना है, इतना बड़ा पहले है तुम्हारे पास एरिया, तो चले देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि नेपाल को भी अब वो छोड़ना पड़ेगा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई करके तो बड़ा भाई है ना सारा हॉकी मार ले बीच में। लग तो तो कुछ ऐसे ही हाँ है। तो अब लोग भी हमने देखा है कमेंट से हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग मतलब खुश नहीं है इस सारे सिनेरियो में, जो जो स्पेशली इस पिछले गवर्नमेंट से जो हाँ ये मोदी सरकार आई इससे हुई तो है ना कोई भी खुश इनके नहीं है, कोई भी बीजेपी की, पड़ोसी। तो इससे स्पेशली। तो फिर हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड ला हाँ हाफिज़।